आज मैं आपको बताऊंगा कि आप IRCTC ऐप के द्वारा ट्रेन की टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको IRCTC ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर ट्रेन सेक्शन पर जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से आप बुक टिकट का ऑप्शन चूज़ करें। इसको चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर कहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन आपको चाहिए उसमें, तो वो आपको मेंशन करना है। तो मुझे यहाँ से जयपुर से करनी है, जयपुर से मुंबई की ट्रेन करनी है, और फिर आप यहाँ से डेट डाल सकते हैं, कोई भी डेट आप जिस तारीख को भी आप जानना चाहें उस तारीख को आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद में सर्च ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 3 ट्रेन अवेलेबल दिखाई दे रही हैं, 1, 2 और 3। आपको जो भी टाइम सही लगे कि ये टाइम सही है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसकी स्लीपर की प्राइस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सीट्स देख लीजिए, अब 20 अगस्त को 51 सीट्स उपलब्ध हैं और 21 को 107 सीट्स उपलब्ध हैं। तो आप जो भी डेट्स चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 21 चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद में आपको पैसेंजर्स डिटेल पर सेलेक्ट करना है। ये ओपन होने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्लीपर आपने चूज़ किया था, यहाँ पर स्लीपर आ रहा है। और यहाँ पर इसके बाद में आप यहाँ पर जितने भी पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं उतने पैसेंजर आप ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू पर क्लिक करके। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नाम डालता हूँ, एज डालनी है, और यहाँ पर मेल या फीमेल है, और यहाँ पर बर्थ परमिनेंस भी आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद में आप अगर और ऐड करना चाहें पैसेंजर तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आप बर्थ परमिनेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इस डिलीट करना चाहें तो इससे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, और नीचे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका दिखाएगा जो यहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ है। इसके बाद में आप यहाँ पर इन ऑप्शन को बहुत समझदारी से चूज़ करना है, क्योंकि इनको चूज़ करने के दौरान बहुत ही सतर्कता ज़रूरी है, क्योंकि ये चूज़ करने के बाद में अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो सीट्स वगैरह बुक नहीं होंगी और उसका पेमेंट आपको 2-4 दिन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तभी चूज़ करें जब आपको लगे कि अगर बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर लोकेटेड, जो मैंने बर्थ चूज़ की है वही चाहिए मुझे सिर्फ, तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे कोच प्रेफरेंस भी दे सकते हैं कि मुझे S2 चाहिए, S3 चाहिए, कौन सा कोच चाहिए। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर रिजर्वेशन चॉइस का ऑप्शन आ रहा है। रिजर्वेशन चॉइस में आप देख क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो ऑप्शन आ रहा है नन, कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलोकेटेड इन द सेम कोच, अगर आपकी पूरी फैमिली साथ जा रही है तब इसको आप चूज़ कर सकते हैं कि हमें सभी सीट्स एक ही कोच में अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद में देखेंगे कि बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेटेड, अगर आपको एक लोअर बर्थ चाहिए तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, और अगर बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ आर अलोकेटेड, तो आपको अगर 2 लोअर बर्थ चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में आप पेमेंट का ऑप्शन देखेंगे कि पेमेंट का मोड कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको 15 रुपये का एक्स्ट्रा GST लगेगा, और अगर आप भीम और UPI के द्वारा करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा, तब आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद में नीचे इंश्योरेंस दे रखा है 0.35 प्रति%, तो इसको आपको ज़रूर चूज़ करना है, ज़रूर सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट रिव्यू जर्नी फॉर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे।
पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप रिव्यू जनरेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको दिखाएगा कि ये ट्रेन 2 बजे से है और 6:30 बजे उतारेगी, ठीक है। और यहाँ पर अवेलेबल सीट्स दिखा रहे हैं, 107 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपका स्लीपर कोच हो गया और यहाँ पर आपके जो भी आपने 2 पैसेंजर डिटेल भरी हैं वो आपको शो हो रही हैं। और यहाँ पर मैंने कोई भी बर्थ चूज़ नहीं की थी इसलिए आ रहा है, यहाँ पर LB लोअर बर्थ चूज़ किया था इसलिए आ रहा है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आएंगे, उस पर अगर आपकी टिकट कन्फर्म हो जाती है तो उस पर मैसेज जाएगा कि आपको कौन सा कोच एलोकेटेड हुआ है। इसके बाद में आप नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद में आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर यह दिखाया गया है कि आपने जो सीट्स चूज़ की हैं अगर आपको वो मिल जाती हैं तब तो सही है, और अगर नहीं मिलती तो आपको बिना किसी कटौती के 3 से 5 दिवस के कार्य में आपके बैंक खाते में वापस आपके रिफंड कर दिया जाएगा, आपके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे 3 से 5 दिन के अंदर अंदर। आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस पे के दिखा रहे हैं कि आप किस पेमेंट्स मोड से आप पे करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पेटीएम वगैरह, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, UPI, नेट बैंकिंग, ICICI क्रेडिट बैंक डेबिट कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके द्वारा आपको पे करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके द्वारा पे कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास में हो उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आप नीचे पे के ऊपर क्लिक करें और आपकी टिकट्स कन्फर्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।